हाँ भाई, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज पढ़ेंगे, CHD, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का मतलब यह है कि हमें बर्थ डिफेक्ट, बाय बर्थ कुछ मिला है हार्ट में। प्रॉब्लम्स कहाँ पर है हार्ट में? देखो, बर्थ से पहले कुछ सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स रहती है, उनको प्रॉब्लम नहीं कह सकते क्योंकि वो जरूरी थी। इंट्रा यूटराइन लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स जरूरी है, जैसे डक्टस आर्टेरियोसस, जो पेटेंट मतलब खुला रहना जरूरी था उस टाइम क्योंकि लंग्स फंक्शनल नहीं थे फीटस में। दूसरा, शंटिंग ऑफ शंटिंग बिटवीन एट्रियम्स, शंटिंग ऑफ ब्लड बिटवीन एट्रियम्स, ये भी जरूरी था क्योंकि उस टाइम पर लंग्स खुले नहीं थे, तो हमारी पल्मोनरी आर्टरी ये सिस्टम वर्किंग नहीं था, इसलिए हमें लंग्स में शंटिंग भी जरूरत थी और डक्टस आर्टेरियोसस और वीनोसस भी जरूरत थे। आफ्टर बर्थ ये सब की जरूरत नहीं होती क्योंकि जब जो सब चीजें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन हमें मैटरनल सरफेस से, मदर के साइड से मिल रहा था, अम्बिलिकल कॉर्ड से, वो बंद हो चुका है कनेक्शन। अब कनेक्शन बंद हो गया तो हम क्या करेंगे? हमारा खुद का बनाना पड़ेगा। तो फीटस ने अपना शुरू करने के लिए, जैसे रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, आपको मैंने कल परसों बताया था कि ऑक्सीजन लेवल कम होगा, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड काटेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड काटेंगे, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, और ऑक्सीजन लेवल कम होगा CO2 लेवल बढ़ेगा, CO2 लेवल स्टिमुलेट करेगा ब्रेन को, ब्रेन का मेडुला ऑब्लॉगेटा में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो एक्टिवेट करेगा आपके डायफ्राम को नीचे की तरफ खिसकने के लिए, और डायफ्राम डिसेंट होगा, डिसेंट होते ही लंग्स को एक स्पेस मिलेगा, वो नीचे की तरफ खिसकेंगे, निगेटिव स्पेस मिलेगा, और निगेटिव स्पेस से लंग्स जैसे ही निचले गए इनको इन्फ्लेशन का स्पेस मिलेगा, लंग्स इन्फ्लेट हो गए, पहली बार आप अंदर की तरफ सांस लोगे, उसको इंस्पिरेशन बोलेंगे। तो फर्स्ट रेस्पिरेशन इज इंस्पिरेशन और फर्स्ट एक्सपिरेशन विथ क्राई, तो फर्स्ट क्राई, ठीक है? ऐसा तो हमने देखा था। अगर वो प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्टिंग थी इंट्रा यूटराइन लाइफ में, वो अगर प्रेजेंट रहती है एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ में आफ्टर बर्थ भी, तो उसको अपन बोल देते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, उनको बोल देते हैं अपन कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम्स डिजीज। और भी कई टाइप की डिजीज होती है जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग नहीं थी तो भी प्रेजेंट है किसी और कारण से, जेनेटिक कारण से या किसी और कारण से, या एम्ब्रियोजेनिक फॉर्मेशन के टाइम पर, या माल फॉर्मेशन जो हुआ है उससे भी हो सकती है। तो डेफिनेशन लिखो इसकी एक बार, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इज ए स्ट्रक्चरल माल फॉर्मेशन कंजेनाइटल डिजीज इज ए स्ट्रक्चरल माल फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट और ग्रेट वेसल्स, ऑफ द हार्ट और ग्रेट वेसल्स, वेसल्स ग्रेट वेसल्स aorta और IVC और SVC, प्रेजेंट एट द बर्थ, प्रेजेंट एट द बर्थ, जन्म के समय आपको कुछ फॉर्मेशन प्रॉब्लम है हार्ट की, या हार्ट में कुछ वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो है मेजर ब्लड वेसल, उनको कहते हैं aorta, aorta और IVC और SVC, अगर इनका कुछ प्रॉब्लम है तो भी वो कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में आएगा। इटियोलॉजी वही, एग्जैक्ट कॉज अननोन, ठीक है? इटियोलॉजी, इटियोलॉजी अगर बात करें या कॉज की बात करें तो हम लिखेंगे वही इडियोपैथिक। इडियोपैथिक को मतलब समझते हो? अननोन कॉज, ठीक है? PATHIC, इडियोपैथिक कॉज, ठीक है? फर्स्ट कॉज हम इडियोपैथिक कहते हैं क्योंकि एग्जैक्टली हमें नहीं पता होता, और सेकेंडरी हम बात करते हैं कि कुछ पॉसिबिलिटीज है जिनके कारण ऐसा होता है, तो उनको भी हम इडियोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट कॉज हम फर्स्ट टाइम ये बोल देते हैं अगर इडियोपैथिक या कॉज अननोन, तो उसको हम बोलेंगे कि एग्जैक्टली नहीं पता है लेकिन ऐसा लगता है कि इनसे होता होगा, ठीक है? तो इडियोपैथिक इसलिए लिखा जाता है ज्यादातर। आगे चलें, हेरिडिटरी, आनुवंशिकता, हेरिडिटरी, ठीक है? जेनेटिक प्रॉब्लम किसी को मिलेगी, कंसंग्विनियस मैरिज, समझते हो इसका मतलब? CONGA, SAN, कंसेंग्यूनियस मैरिज क्या होती है?
हाँ जी, ब्लड रिलेशंस में, ब्लड रिलेशंस में शादी होना, ब्लड रिलेशंस में शादी होना, ठीक है, उसकी वजह से आपके जेनेटिक पैटर्न में वो क्रोमोसोम जो आपको रिपीटेडली मिल जाते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स सेम पैटर्न में आपको रिपीटेडली मिल जाएंगे और कुछ क्रोमोसोम्स की या तो डिलीशन हो जाएगा या ओवरलैपिंग हो जाएगी या एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम है और मोस्टली ये मिल जाती है कंसंगुइनियस मैरिज में या ब्लड रिलेशन वाली शादी में। अगर ब्लड रिलेशन में ही शादी कर दी जाती है तो पहले नहीं होता था चार गोत्र डाल के शादी करना, है ना, ताकि पूरा जेनेटिक पैटर्न अलग मिले इसका और इसका, चार गोत्र टाल कर फिर शादी करने का मतलब ये था कि इसके दादा और इसकी मम्मी, मतलब इसका इसके फादर का और मम्मी का दोनों का ब्लड रिलेशन, इसके फादर का और मम्मी का दोनों का ब्लड रिलेशन नहीं मैच हो, इसलिए चार गोत्र टालने का नाटक था और ये जरूरी था। चार गोत्र टालने का कारण क्यों था? क्योंकि मेरे तरीके से मम्मी और पापा दोनों का पैटर्न नहीं मिलना चाहिए इसके मम्मी और पापा के पैटर्न से। अगर इसके मम्मी पापा का पैटर्न, वाइफ के मम्मी पापा का पैटर्न और हस्बैंड के मम्मी पापा का पैटर्न अगर मिलता है तो क्यों मिलेगा? आपने उन दोनों की गोत्र एक ही होगी, वो एक ही रिलेशन में होंगे, एक ही फैमिली या एक ही किसी तरीके से होंगे, कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन होगा, इसलिए चार गोत्र डाल दें। समझ में आ रही बात? इसलिए कंजुगेट मैरिज नहीं करनी चाहिए थी। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर पेन दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर मैं इसमें एग्जांपल दे दूं, ट्राइसोमी 21 क्या होता है? ये डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 21 का मतलब है 21वें गुणसूत्र पर, 21वें नंबर के गुणसूत्र, 21वां कौन सा होता है? एलोसोमी और ऑटोसोम। 21 पेयर जो है 21वां गुणसूत्र वो ऑटोसोम में आता है, एलोसोम में ऑटोसोम, ऑटोसोम एलोसोम में नहीं आता, ऑटोसोम में आता है ना, ठीक है। ऑटोसोम मतलब बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ओनली 23वां एक ही पेयर वो आता है एलोसोम में, ठीक है। तो ट्राइसोमी 21 त्रिगुणित अवस्था या ट्रिप्लोइडी अवस्था हो जाएगी, ट्रिप्लोइडी कंडीशन होगी, कहां पर? 21वें गुणसूत्र पर, इसलिए कहते हैं ट्राइसोमी 21। मतलब इसमें ऐसा हो जाता होगा, ऐसा ऐसा और ऐसा, हाँ सेक्स क्रोमोसोम्स को ही एलोसोम बोलते हैं, ठीक है, जो 23rd पेयर है, ठीक है। आप 23 जोड़ी गुणसूत्र पढ़ते हो, 23rd पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ते हो, तो उसमें 22 पेयर्स है ऑटोसोम्स, वो आपकी बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, बॉडी की शेप का काम करते हैं, लेकिन 23rd वाला डिसाइड करता है आपका जेंडर, ठीक है, वो एलोसोम होता है, ठीक है सर। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, TURNER, हाँ जी, TURNER टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम कौन सा होता है? हाँ जी नहीं, वो तो वो है पटाउ सिंड्रोम है 13, एडवर्ड है 18, है ना, और 13 पटाउ सिंड्रोम है, एलोसोमल डिसऑर्डर है, ये एलोसोम डिसऑर्डर है, ये 23वीं जोड़ी गुणसूत्र है, ठीक है, हाँ 23वीं का है, इसमें एक एक्स मिस हो जाता है, ओनली फीमेल में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। इसमें ये क्या है, 23rd पेयर, पेयर क्रोमोसोम, 23वीं जोड़ी गुणसूत्र कौन सा हुआ? एलोसोम। अरे हाँ यार, तो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र जो एलोसोम है उसमें फीमेल में पैटर्न क्या होता होगा? एक्स एक्स, फीमेल में पैटर्न क्या होता है? एक्स और एक्स बस, तो एक एक्स मिस हो जाता है, ठीक है, तो ओनली पैटर्न एक्स एक्स में से एक एक्स क्या हो जाता है? मिसिंग है, तो ये किसको अफेक्ट करेगा? ओनली फीमेल को, ये टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। मोनोसोमी कंडीशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहां पर, कौन सी कंडीशन कह सकते हैं इसको? अरे डिप्लोइडी कंडीशन होती है जनरली, जो दो क्रोमोसोम का पेयर होता है, अगर कहीं तीन हो गए, ट्राइसोमी में तीन होते तो ट्रिप्लोइडी बोला, ट्राइसोमी, सोमा मतलब बॉडी और ट्राई मतलब तीन, तो तीन बॉडी फॉर्मेशन वाले क्रोमोसोम इकट्ठे हुए,
तो ट्राइसोमी हुआ। अब एक मिस भी हुआ है तो मोनोसोमी होगा ना। मोनो मतलब एक, सोमी मतलब सोमेटिक क्रोमोसोम, सोमी मतलब होता है ऑटोसोम को सोमेटिक भी बोलते हैं, सोमा मतलब होता है बॉडी, सोमा मतलब होती है SOMA, सोमा मतलब होती है हमारी बॉडी, और सोमेटिक का मतलब होता है बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, ठीक है, उनको ऑटोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो सोमा कितना हुआ, एक मोनोसोमी, दो तो डिप्लोइडी कंडीशन है ही है नॉर्मली, और ट्रिप्लोइडी में ट्राइसोमी, तो इसको मोनोसोमी बोल दूं मैं? अरे हाँ, है ना, आपको समझ में आ जाए वो बड़ी बात, मोनोसोमी, ठीक है। तो मोनोसोमी कौन सी कंडीशन पे हुई, 23rd अकर्स इन ओनली फीमेल्स, ऐसे कंडीशन भी हो तो भी हमें मिल सकता है। मैटरनल टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन ऊपर लिख दूं मिटा के, बोलो, देखो हमने यहाँ से शुरू कर रहे थे, 2, 3, 4, 5वां नंबर का शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर, मैटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसको मैं बोल दूँ टेरेटोजेनिक। टेरेटोजेनिक मतलब जो मदर को इन्फेक्शन हुआ और फीटस को अफेक्ट कर सकता है, कोई भी ऐसी दवाई लेते हैं हम जो फीटस तक पहुंच जाती है मदर से, ठीक है, उसको टेरेटोजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ ना, समझ में आ रही है। तो मैटरनल टेरेटोजेनिक इन्फेक्शन, अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन हुआ था प्रेगनेंसी के टाइम, अर्ली ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा ये, ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, क्योंकि फॉर्मेशन जो हो रहा होता है बॉडी का, बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग जब हो रही है बच्चे की, फीटस की, तो उस टाइम पर अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो फॉर्मेशन बिगड़ेगी ना। तो अब इसको आप ये तो खुद समझ सकते हो कि लेट ट्राइमेस्टर की बात नहीं है ये, अर्ली ट्राइमेस्टर की बात है। अर्ली ट्राइमेस्टर में अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिगाड़ सकता है, नाम तो सुना ही होगा, रूबेला, तबाही ही है, बिगाड़ सकता सब कुछ, है ना, ठीक है। एल्कोहल इंटेक, अगर माताजी नशे में थी, कौन सा, अरे बोलो तो सही, अगर किस टाइम पर एल्कोहल पी रही थी माताजी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, और ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग अर्ली, हाँ जी, क्या बोल रहे हो, हाँ हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल होता है, पढ़ें, हाँ, एल्कोहल, एल्कोहल मदर का, बेबी ऑफ एल्कोहलिक मदर, ठीक है, पढ़ते हैं उसको हम, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूड इज ए गुड रिजर्वोयर ऑफ एल्कोहल, एमनियोटिक फ्लूड इज ए गुड रिजर्वोयर ऑफ एल्कोहल, इफ मदर टेक्स एल्कोहल वंस ए टाइम, वंस ए डे, देन बेबी विल रिमेन इन एल्कोहल होल द डे, ठीक है, वो एल्कोहल उधर ही रहेगा, बच्चा पूरा दिन पिएगा, समझ में आ रही है बात, है ना, एल्कोहल इज ए गुड रिजर्वोयर ऑफ, एमनियोटिक फ्लूड इज ए गुड रिजर्वोयर ऑफ एल्कोहल, अगर माताजी ने एक बार एल्कोहल लिया है तो वो ज्यादा ब्लड के थ्रू जाएगा, प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करेगा और एम्यूटिक फ्लूड में रहेगा, और लॉन्ग टाइम उधर ही एल्कोहल रहता है एम्यूटिक फ्लूड में ही, तो बच्चे को ज्यादा टाइम तक एक्सपोजर होगा एल्कोहल का, तो उसकी बॉडी कंडीशन बिगड़ेगी, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा बिगड़ता है बच्चा उससे, ठीक है, लेथार्जिक होता है, हेड वगैरह, बॉडी ग्रोथ वगैरह बिगड़ती है, सब बताएंगे, चलो सब। इरेडिएशन और क्या हो सकता है, रेडिएशन, अरे बोलो, इरेडिएशन क्या कर सकती है जनरली, आप अपने हिसाब से बता दो एक बार, इरेडिएशन हो सकता है, कुछ म्यूटेशन हो सकता है, कुछ म्यूटेशन हो सकता है रेडिएशन से, ठीक, इरेडिएशन लिख लो, इरेडिएशन, और कुछ हद तक क्या हो सकता है, फीटल हाइपोक्सिया, कुछ हद तक क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया बोल दो या फिटल हाइपोक्सिया बोल दो, ठीक है, और एक और कंडीशन है, मदर को अगर है IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, अगर मदर को ऐसा है तो भी दिक्कत होगी बच्चे को, ठीक है, ठीक है, देखा,
मिटा दो। हाँ रेडिएशन, रेडिएशन देखो रेडिएशन के कारण आपकी सेल्स का पैटर्न बदलता है, म्यूटेशन भी हो सकता है, ठीक है, उनका पैटर्न चेंज हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, और रेडिएशन के कारण आपको कुछ कैंसर सेल का जनरेशन हो सकता है, ठीक है, तो कैंसर सेल हो सकता है या कुछ और कारण भी हो सकता है, तो रेडिएशन हमेशा आपके लिए हार्मफुल ही है, ठीक है। कुछ थेरेपी भी यूज करते हैं पर रेडिएशन, तो वो रेडिएशन जैसे कैंसर थेरेपी में, कीमोथेरेपी में, कीमोथेरेपी नहीं रेडिएशन थेरेपी कैंसर में ट्रीटमेंट में यूज करते हैं पर रेडिएशन थेरेपी, उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ट्रीट कर रही है, वो कैंसर सेल को मार रही है, कर रहे उनको भी डैमेज ही है, लेकिन कैंसर सेल को मार रहे हैं हम, है ना, ऐसा नहीं हो रहा कि वो उनको हील कर देगी, सही कर देगी ना, कैंसर सेल जो अफेक्टेड सेल है उनको ऊपर रेडिएशन से मार रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन पढ़े तो तीन टाइप से क्लासिफिकेशन है इसका। हाँ जी, क्योर होता है, देखो रेडिएशन का मतलब ये है कि डिपेंड करता है रेडिएशन का सोर्स क्या है, ठीक है, सोर्स क्या है, एक्स रेज है या और कोई दूसरे टाइप की रेज है, ठीक है, एक्स रेज है जो हार्मफुल भी होती है और कुछ दूसरे टाइप की भी रेज होती है, जैसे ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कई सारे होते हैं उनसे हम रेडिएशन देते हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट है ना, तो है ना, तो कई सारी रेडिएशन होती है, उनको रेडिएशन अलग चीज टॉपिक है अपना, अभी टॉपिक नहीं है, अभी अपना वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है कि रेडिएशन से हम ट्रीट करते हैं, जब कैंसर ट्रीट कर रहे होते हैं तो कैंसर की अफेक्टेड सेल्स को मार रहे होते हैं, ठीक है, अफेक्टेड सेल्स को हम रेडिएशन से मार रहे होते हैं, उनको डैमेज कर रहे होते हैं, हीलिंग अपने आप बॉडी करती है, दूसरी सेल्स से रिप्लेस करती है, ठीक है, हीलिंग और दूसरी सेल्स से रिप्लेसमेंट होगा वो बॉडी कर रही होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन करें अगर, क्लासिफिकेशन ऑफ CHDs, ठीक है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज का क्लासिफिकेशन करें तो तीन टाइप की होती है, कौन कौन सी, एसाइनोटिक, बोलो, साइनोटिक और तीसरा है साइनोटिक, एसाइनोटिक ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स, ठीक है, डिफरेंस समझ लो थोड़ा सा, एसाइनोटिक ऐसे कंडीशन, ऐसा सेंटिंग ऑफ ब्लड जिसमें बॉडी में साइनोसिस नहीं आता है, ठीक है, ब्लड की मिक्सिंग तो हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, कंजेनिटल कुछ प्रॉब्लम तो है लेकिन उसमें साइनोसिस नहीं आ रहा है, वो कंडीशन सारी मिलेगी एसाइनोटिक। कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें सर्कुलेटरी, देखो आपका सर्कुलेशन है उसको आप दो भागों में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पल्मोनरी और सिस्टमिक पढ़ चुके हो ना, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हार्ट और लंग्स के बीच में था और सिस्टमिक जो बॉडी और हार्ट के बीच में था, ठीक है, अगर आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी आ रहा है तो वो साइनोसिस करेगा, हाँ है ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो वो साइनोसिस करेगा। ऐसी कंडीशंस जो ऐसा कर सकती है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आउट आके जो बॉडी में पहुंचा सकती है उसको बोलेंगे हम साइनोटिक हार्ट डिजीज। और तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स, इसमें क्या होता है कि साइनोसिस नहीं होता है जनरली, ठीक है, लेकिन क्या होता है कुछ पोजीशंस बदल जाती है, कुछ आर्टरीज की मैन्युफैक्चरिंग बदल जाती है, ठीक है, और कुछ गलत जगह पर कनेक्शन हो जाते हैं, कुछ डिजीज कंडीशन है जिनमें गलत फिस्टुलाज बन के कनेक्शन हो जाएंगे या फिर ट्रांसपोजिशन हो जाता है बड़ी आर्टरीज का या कुछ ब्लड वेसल्स का गलत लोकेशन पर होती है, उनकी वजह से हमें बर्थ में कुछ प्रॉब्लम होती है, लाइफ में प्रॉब्लम होती है, तो वो तीनों है, उनमें साइनोटिक एसाइनोटिक डिसाइड नहीं करते, उसको अलग तरीके से अपन ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन बोलते हैं जो कि
अब नॉर्मल फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन में आए। ऑब्स्ट्रक्शन लिविजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्मल फ्लो के वो ऑब्स्ट्रक्शन में आए। एग्जाम्पल के नोट्स मेरे पास है बहुत सारे, लिख देते हैं तीनों के एग्जाम्पल। लिख लो, पहला लिख लो एसाइनोटिक, एसाइनोटिक सी एच डी। पहला आप एसाइनोटिक सी एच डी लिखो, इसके अंदर मैं लिखवा रहा हूँ वो लिख दो। ए एस डी, वी एस डी, पी डी ए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों इसके ही है, ठीक है, तीनों एसाइनोटिक है। और एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल ए वी सी, ए वी सी, ए टी आर आई ओ वी ई एन टी आर आई सी यू एल ए वेंट्रिकुलर कैनाल। ये तो फुल फॉर्म आती है आपको, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, है ना, ए आर टी आर ओ एस। ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, ठीक है साहब। ये है एसाइनोटिक के टाइप है। एसाइनोटिक में ब्लड का सेंटिंग, हाँ जी कुछ बोल रहे हो, लेफ्ट टू राइट ब्लड का सेंटिंग है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट सेंटिंग ऑफ ब्लड। इस कंडीशन में सब कुछ सब डिजीजेज जो भी है लेफ्ट टू राइट सेंटिंग करेगी, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में अगर डाल देगी, ठीक है, तो राइट एट्रियम में अगर आएगा तो राइट वेंट्रिकल और वापस लक्स में जाएगा, हाँ ना। थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर लेफ्ट हार्ट लेफ्ट एट्रियम में कोई ब्लड है और वहाँ से अगर वो सेंट होकर राइट में आ रहा है तो राइट से वापस उसको जाना कहाँ है, लक्स में, वापस फिल्टर होकर आ जाएगा, तो वो डीऑक्सीजनेटेड तो नहीं दे रहा सिस्टम में, सिस्टमिक सर्कुलेशन को नहीं दे रहा डीऑक्सीजनेटेड भाई, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड से वापस राइट में दे रहा है, तो राइट तो हमारा वापस फिल्ट्रेशन काम कर रहा है लंग्स में जाके, तो राइट तो फिल्ट्रेशन वापस कर देगा, बस लोड बढ़ेगा, राइट वाले के पास लोड बढ़ जाएगा क्योंकि लेफ्ट वाला वापस फिल्टर्ड को भी वापस फिल्टर के लिए भेज रहा है, ठीक है, तो लोड बढ़ जाएगा राइट का, लेकिन राइट वाले से साइनोसिस नहीं होगा आपको लेफ्ट टू राइट सेंटर, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट सेंटर होता है किस में, एसाइनोटिक कंडीशंस में, एसाइनोटिक कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, आप इसको अच्छे से लैंग्वेज में लिखना चाहो तो इन दिस कैटेगरी ऑफ हार्ट डिजीजेस देयर इज लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड अकर्स, ठीक है, और ऐसा भी लिख लो तो भी समझ में आना चाहिए तुम्हें कि एसाइनोटिक कंडीशन में ब्लड की शंटिंग होती है लेफ्ट टू राइट और ये चारों कंडीशंस होती है, लिखा, चलो साइनोटिक लिख लेते हैं। मिटा दू ये वाला ऊपर वाला, हाँ जी, साइनोटिक सी एच डी जो है, साइनोटिक में लिखो देयर इज डिमिनिश्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो, डिमिनिश्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो, पल्मोनरी ब्लड फ्लो का मतलब होता है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाना, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाना पल्मोनरी ब्लड है, ठीक है, वो कम हो गया, डिमिनिश्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है, ड्यू टू राइट टू लेफ्ट शंटिंग, समझ में आ रही है बात, अच्छा इस शंटिंग में देखो आप राइट साइड से जो ब्लड फ्लो करेगा वो लेफ्ट में मूव कर रहा है, अगर शंट हो रहा है, शंट का मतलब या तो एट्रियल से या वीएसडी से या फिर किसी भी और प्रॉब्लम से हो रहा होगा,
ठीक है, एएसडी बीएसडी यहाँ एग्जाम्पल नहीं आएगा, एग्जाम्पल कुछ और है। अगर किसी भी कंडीशन से राइट साइड से लेफ्ट में शंटिंग हो रही है ब्लड की, तो सिस्टमिक में जा रहा है, क्योंकि लेफ्ट से वो पंपिंग होगा aorta के थ्रू, हाँ है ना। अरे लेफ्ट में अगर आप डीऑक्सीजनेटेड डाल दोगे लेफ्ट साइड में, तो वो बॉडी में जाएगा, और बॉडी में अगर डीऑक्सीजनेटेड जाएगा तो साइनोसिस करेगा, ठीक है। तो लिख लो राइट टू लेफ्ट शंटिंग होगी। इसके एग्जांपल में कौन कौन से हैं? TOF, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट TOF एग्जांपल है उसके साइनोटिक के, ठीक है। ट्राइकस्पिड एट्रेसिया दूसरा, ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है? ट्राइकस्पिड एट्रेसिया TA बोलते हैं। हाँ, राइट साइड ऑफ हार्ट में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है ट्राइकस्पिड कहते हैं। ट्राइकस्पिड कस्प का मतलब होता है दरवाजे, दीवारें या फ्लैप। तो जब बाइकस्पिड होगा तो दो फ्लैप होंगे ऐसे, ठीक है। ट्राइकस्पिड होगा तो तीन फ्लैप होंगे ऐसे, समझ में आ रही है? ऐसे तीन फ्लैप होंगे, ऐसे खुलेंगे, ऐसे बंद हो जाएंगे। पेंसिल होती थी ना पहले, ऐसे बटन दबाते वो निपल निकलने वाली, उसके उसके आगे के नोक पे देखो, ऐसे खुलते हैं, ऐसे बंद होते हैं। अगर वो पांच होते थे तो फाइव का स्पीड था वो, ठीक है। चार होते थे चार, लेकिन तीन वाली भी आती थी पेंसिल, तीन ऐसे दांत निकलते थे और ऐसे निपल को पकड़ लेते थे उसको। तो ट्राई का स्पीड मतलब हर्ट के बीच में ऐसे तीन फ्लैप का एक ग्रुप होता है, वो ऐसे आके बंद हो जाता है, ऐसे खुल जाता है। तो ऊपर से नीचे ब्लड आते टाइम खुल जाता है, नीचे से ऊपर जाने के टाइम बंद हो जाता है। उसी तरीके से लेफ्ट साइड में बाइक स्पीड वाल होता है। बाइक स्पीड मतलब दो दरवाजे दो फ्लैप होंगे और दोनों बंद हो जाते हैं ऊपर की तरफ, वापस ब्लैक फ्लो रोकते हैं, ठीक है। उसको मिट्रल वाल बोलते हैं। कौन सा वाल बोलते हैं? मिट्रल, माइट्रल वाल बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, इसमें लिख लो ट्रांस पोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ठीक है। TOG TGA, ठीक है, TGA ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ठीक है, इतना ही सही। चौथा, तीसरा टाइप अपना था ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स, तीसरा टाइप था अपना, मिटा दिए, लिख लिया आपने। दानिश लिख लिया। थर्ड है ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स, है ना। ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स, ठीक, एग्जाम्पल लिखो कोआर्टरेशन ऑफ aorta, कोआर्टरेशन ARCHTATION, कोआर्टरेशन ऑफ aorta, एच नहीं होगा सर, COA ARC ARCH नहीं है ना यहाँ पर, ठीक है, ये सी है बस। कोआर्टरेशन, आर्क का मतलब होता है ब्रांचिंग, ठीक है, और जो चेंज जाएगी, आर्क का मतलब होता है कर्व और ब्रांचिंग, है ना, ठीक है, उसमें परिवर्तन आएगा, उसमें डिफेक्ट मिलेगा। कोआर्टरेशन ऑफ aorta, aortic वाल्व स्टेनोसिस, aortic वाल्व कहाँ होता है? aortic वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल टू aorta, aortic वाल्व स्टेनोसिस, ठीक है सर, aortic वाल्व स्टेनोसिस। पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस, ये कौन सा वाल्व होता है भाई, कहाँ होता है पल्मोनरी वाल्व, कहाँ है?
राइट वेंट्रिकल टू लंग्स की तरफ है ना, पल्मोनरी ट्रंक, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में जो वाल्व है वो क्या है, पल्मोनरी वाल्व है ना, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस। ठीक है, ऐसी कंडीशन है जिसमें साइनोसिस और या एसाइनोटिक कंडीशन मेजर नहीं करती, प्रॉब्लम नहीं करती है। ठीक है, साइनोसिस वाली बात नहीं बनती है यहाँ पर, यहाँ पर है जो हेड को प्रॉब्लम दे रही है बस। ठीक है, कंजनाइटल है, हेड को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और इनको अपन क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं साइनोसिस और एसाइनोटिक में, साइनोटिक एसाइनोटिक में क्लासिफाई। ठीक है, और कंजनाइटल मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक है, कंजनाइटल मिट्रल स्टेनोसिस, कंजनाइटल मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस अच्छा, साइनोसिस में अपन ने ट्राइकस्पिड पढ़ा था, तीनों वाल्व यहां पढ़ लिया, साइनोसिस में ट्राइकस्पिड पढ़ा था, हाँ है ना, साइनोसिस कंडीशन में ट्राइकस्पिड वाल्व पढ़ा था और बाकी तीनों यहां पढ़ रहे हैं। क्यों अपन ने ये ऑब्स्ट्रक्टिव में पढ़ा है, तीनों वाल्व पढ़ लिए, चौथा वाल्व बचा इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व, उसको अपन साइनोसिस कंडीशन में पढ़े, तो ट्राइकस्पिड वाल्व की वजह से कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसमें साइनोसिस हो रहा है, तो उसमें शंटिंग कर रहा है ब्लड की, तो वो किसी और प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड होगा। ठीक है, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया है तो ट्राइकस्पिड वाल्व अपना काम नहीं कर रहा। ठीक है, राइट साइड ऑफ हर्ट में ट्राइकस्पिड वाल्व का काम था ऊपर से ब्लड नीचे आने के बाद नीचे से ऊपर न जाने देना, यही काम है ना, एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद में वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में न जाने देना ही वालों काम है। वो काम नहीं कर रहा होगा तो वापस भी बैक फ्लो होगा। ठीक है, और बैक फ्लो किसी भी तरीके से वापस क्या कर सकता है आपको, साइनोसिस कंडीशन में जा सकता है। ठीक है सर, अब हम पहली रीडिंग डाल लेंगे वी एस डी, वी एस डी वेंट्रिकुलर नहीं, ए एस डी पढ़ेंगे, वी एस डी बाद पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ अपन सीरीज से चल रहे हैं। ठीक है, एट्रियम चलेंगे फिर वेंट्रिकल पढ़ लेंगे, लिख लिया आपने, ठीक, वेरी गुड, एट्रियम। ठीक है, एट्रियम से पढ़ लेंगे हम, फिर एट्रियम वेंट्रिकल पढ़ के फिर आगे चलेंगे, है ना, वेंट्रिकल भी पढ़ सकते हैं, एट्रियम पढ़ लेंगे, ए एस डी लिख लो। ठीक है, एट्रियल, ए टी आर आई एल, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, डिफेक्ट एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एएसडी, एएसडी के बाद में अपन वीएसडी, पीडीए, और इनमें से कुछ और कंडीशन जैसे कोआर्टेशन ऑफ एओर्टा और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, इनके बारे में भी हम बताते हैं सीरीज से। ठीक है, सब कुछ तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी पढ़ा दी जाएगी। ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या एएसडी बोले अपन, क्योंकि अभी अपन थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे फीटल सर्कुलेशन में तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की बात कर रहे थे, उसी को समझ रहे थे क्या चीज़ थी, तो रिसेंटली उसी को पढ़ लेते हैं एक बार, मार्कर है अपने पास, क्या हुआ होगा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में समझो, वापस थोड़ी देर के लिए वापस मैं ले चलता हूँ आपको फीटल सर्कुलेशन। ठीक, यहाँ पर ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इतना सबको पता है, तो बोलो, इतना अपन ने पढ़ लिया था पहले भी। ठीक है, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था फीटल सर्कुलेशन में, यहाँ पर ब्लड की एंट्री हो रही थी एसवीसी से और यहाँ पर ब्लड की एंट्री हो रही थी आईवीसी। ठीक है, दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ठीक है, हाँ बोल दो, अरे बच्चे को तो यहीं से मिल रहा था ऑक्सीजन, फीटल को तो यहीं से मिल रहा था,
कैसे हाँ कर देते हो तुम तुरंत, है ना? हाँ में हाँ, तुम रैली में आए हो नेताजी की में? बच्चा है, ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ से, है ना? फिटस है, फिटस, नो सर, डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड आ रहा है ना, फिटस है ये, ठीक है? तो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपन ने अम्बिलिकल वेन से लिया था, लीवर के थ्रू आके आईवीसी में आके फिर इसमें डाला था, ठीक है? तो ऑक्सीजन का लेवल यहाँ आ रहा है हमारा, ठीक है, ज्यादा, तो इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहे थे, ठीक है? वो आफ्टर बर्थ है, उधर से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ में आ रही है बात? अरे हाँ, है ना, आफ्टर बर्थ आएगा ऑक्सीजन का लेवल उधर से, ठीक है? जब लंग्स देंगे तब यहाँ पर क्या होगा, इधर भी दो आएगी पल्मोनरी वेन, इधर भी दो आएगी पल्मोनरी वेन, तो सॉरी इसमें नहीं आएगी, दोनों यही आएगी, आएगी तो ठीक है, लेकिन आएगी दोनों लंग्स से, एक लंग्स ये रहा, एक लंग्स ये रहा, ठीक है? दोनों से आएगी यहीं पर ना, इधर से आएगी, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आएगा लेफ्ट एट्रियम में आफ्टर बर्थ, है ना? बिफोर बर्थ आता है राइट एट्रियम में, कहाँ से, कहाँ से आ रहा था बिफोर बर्थ? अम्बिलिकल, लीवर, और लीवर से आईवीसी, और आईवीसी से यहाँ पर, ऐसा आ रहा था, समझ में आ रही है? ठीक है, बर्थ से पहले नॉर्मल कंडीशन थी एट्रियम और दोनों एट्रियम के बीच में, सॉरी, दोनों एट्रियम के बीच में नॉर्मल कनेक्शन था, वो था ये सेप्टम थे, तो सेप्टम दो होते हैं, एक तो होता है सेप्टम, कौन सा, सेकुंडम, सेकुंडम, और दूसरा होता है सेप्टम प्राइमम, ठीक है? प्राइमम एक पतला फ्लैप है, ठीक है? सेप्टम, सेकंडम और प्राइमम, एस शेप का है सेकंडम और प्राइमम है एक फ्लैट शेप, ठीक है? होल ऐसा मिला है कि कुल मिला के मान लो इधर से ओपनिंग है इसकी और यहाँ से है, तो ये होल है ऐसा, और ब्लड यहाँ से फ्लो करके ऐसे फ्लो हो जाए, ठीक है? इस तरीके से शंटिंग हो रहा था और ये कंडीशन नॉर्मल थी, इस कंडीशन से शंटिंग हो रहा था, ब्लड जा रहा था राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जा रहा था, और ये कंडीशन नॉर्मल थी इंट्रा यूटराइन लाइफ में, फीटस में ये कंडीशन नॉर्मल थी। अब हम पढ़ना चाह रहे हैं कि एएसडी कैसे हुआ, कंजेनाइटल प्रॉब्लम ये बनी कैसे, इसको हमने प्रॉब्लम क्यों कहा अगर ये सब कुछ था तो, क्योंकि हमने आफ्टर बर्थ इधर माताजी से ऑक्सीजन लेना बंद करना था, खुद का बनाना शुरू करना था, मतलब राइट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना था, है ना? हमें राइट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह हमें लेना था लेफ्ट साइड से ऑक्सीजन ब्लड, और लेफ्ट साइड से ऑक्सीजन ब्लड लेने के लिए हमें लंग्स को चालू करना था, और जैसे ही इंस्पिरेशन हुआ लंग्स चालू हुए और यहाँ से कोड कट हुई, तो इधर से कनेक्शन बंद और इधर से शुरू, तो पहले कनेक्शन जो इधर से इधर जा रहा था अब वो कनेक्शन इधर से इधर होना है, हाँ, है ना? अब मैं कह रहा हूं ये वाल तो ऐसा है जिसमें एक तरफ जा रहा है दूसरी तरफ से आना पॉसिबल ही नहीं हो रहा, समझ में आ रही है? एक तरफ से ये वाल ऐसा है कि यहां से जा रहा है तो खुल जाता है ये, ठीक है? साइकिल का वाल नहीं होता, अपने कैनुला के ऊपर ऊपर वाला वाल नहीं होता जिसमें ब्लड, जिसमें दवाई जाती है आती नहीं है, कैनुला के ऊपर वाला नहीं होता, एक सीधा वाल होता है, एक ऊपर होता है, और साइकिल में वाल, फुटबॉल में वाल होता है, जो जितने भी वाल होते हैं, ये हाइट में भी वाल जो यही काम करते हैं, हाइट में जो वाल होते हैं बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, जो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, एक तरफ जाता है दूसरी तरफ वापस आने से ही रोकते हैं, वाल का काम यही होता है, ठीक है? तो ये भी एक ऐसा ही काम कर रहा है कि एक तरफ से ब्लड जा सकता है, दोबारा आ नहीं पा रहा है, ठीक है? जैसे ही यहां से चला गया ब्लड तो ठीक है, अब वापस उधर से बढ़ेगा, आफ्टर बर्थ ऑक्सीजन चालू होगी लंग्स में, लंग्स से फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगा ब्लड का, ऑक्सीजन चालू होगी लंग्स में, ऑक्सीजन वो ब्लड का ऑक्सीजनेशन शुरू हो जाएगा, ब्लड का क्या शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन, और ऑक्सीजनेशन शुरू हो जाएगा ब्लड का, तो इधर लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, और पल्मोनरी वेन में जब भी ब्लड चारों पल्मोनरी वेन दोनों लंग्स से अगर लेफ्ट एट्रियम में डालेगी, और लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर ब्लड का बढ़ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम का ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर अगर लेफ्ट एट्रियम में ज्यादा हो गया तो अब कंडीशन कैसे होगी, बढ़ेगी, तो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाएगा, या ऐसे मोर देन लिख दूं राइट एट्रियम से, ठीक है? तो इस कंडीशन में क्या होता है, क्लोजर ऑफ शंट, क्लोजर, क्लोजर होता है, क्लोजर ऑफ एट्रियल सेप्टम, ठीक है? ये सेप्टम जो है वो क्लोजर होना है, एट्रियल सेप्टम, इसको मिला के बोलते हैं एट्रियल सेप्टम, ठीक है?
ये ऐसे दो लेयर्स है, मान लो दो लेयर्स में पहला लेयर है सेप्टम सेकंडम, दूसरा लेयर है सेप्टम प्राइमम, ठीक है। जैसे ही इस तरफ से प्रेशर पड़ना शुरू हुआ, यहां सब देख रहे हो एक बार, जैसे ही इस तरफ से प्रेशर पड़ना शुरू हुआ तो इधर धक्का लगेगा, तो मैं धक्का इधर लगा दूं की बार, हाँ है ना। यहां धक्का लगाने से मेरा ये एस शेप का जो सेकंडम था, इसमें यहां पर होल था हल्का सा, लेकिन दूसरा प्राइमम जो मैं ब्लैक बना रहा हूँ की बार, ठीक है, यह ब्लू बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी ब्लू है अपना सेप्टम प्राइमम, और यहाँ पर भी ब्लू बना देता हूँ, ये बिल्कुल अड़ा के सटा के इसके लगा देता हूँ, ठीक है, और ये आके इस पर फिजिकली एनाटोमिकली बंद हुआ, ठीक है, हिस्टोलॉजिकली नहीं, हिस्टोलॉजिकली मतलब टिश्यूज नहीं जुड़े हैं, फिजिकली बंद हुआ है, मतलब ऐसे आके रुक गया है। तो इसीलिए तो बोलते हैं जस्ट आफ्टर द बर्थ क्लोजर ऑफ एट्रियल सेप्टम, जस्ट आफ्टर द बर्थ फिजिकली या एनाटोमिकली, ठीक है, फिजिकली मतलब उसी टाइम बंद हुआ, और बाद में एनाटोमिकली या टिश्यूज जुड़ के बाद में बंद होगा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन फिजिकली उसी टाइम बंद हो गया ना, जो सेंटिंग थी ब्लड की राइट टू लेफ्ट, वो लेफ्ट टू राइट बंद हो गई, अब दोनों सेंटिंग अब बंद होगी और नॉर्मल सेचुरेशन में आ गए, अब नॉर्मल सर्कुलेशन में आ गए, अब वो ब्लड जो लेफ्ट टू राइट में मूव कर रहा था बार बार इधर उधर, वो अब वेंट्रिकल में जाएगा। वो कहाँ जाएगा अब, वो जो ब्लड इधर उधर घूम रहा था, अब ये रास्ता बंद होने के बाद में कहाँ जाएगा, वो वेंट्रिकल में आएगा, और वेंट्रिकल में आ गया नॉर्मल सर्कुलेशन। अब देखो पहले ऑक्सीजनेटेड फीटस में यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा थी, आफ्टर बर्थ यहां ऑक्सीजन ज्यादा है, पहली बात तो ये, फीटस में यहां प्रेशर ज्यादा था ब्लड का और यहां कम था, इसलिए सेंटिंग ऐसे थी, ठीक है। अब आफ्टर बर्थ यहां प्रेशर ज्यादा हो गया, इधर प्रेशर कम हो गया, और सेंटिंग ऐसे होनी थी लेकिन दरवाजा बंद हो गया, नॉर्मल प्रोसेस है ये। और दरवाजा बंद होने से अब हम ब्लड को इधर ही भेज पाएंगे बस, और इधर भेजेंगे तो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, ये नॉर्मल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, समझ आ गए। अब मैंने जो इतने सारे कारण बताए थे कंजेनिटल प्रॉब्लम्स के, उन सारे कारणों को लगा लो और यहां पर डिफेक्ट बना लो, समझ आ रही है, समझ आई बात है। वो जो कारण थे कंजेनिटल हार्ट डिजीज के अभी पढ़ाए थे, अरे रेडिएशन, कंजेनिटल माताजी ने एल्कोहल पिया, या माताजी ने कोई दवाई ली, या कोई इन्फेक्शन हो गया और रूबेला, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम हो गई, कंजंक्शन मैरिज हो गई, या जेनेटिक प्रॉब्लम हुई, या ट्राइसोमी हुई, या डाउन सिंड्रोम हुआ, ठीक है, तो जो भी हुआ था, या मोनोसोमी हुई, जो भी कंडीशन ये प्रॉब्लम्स थे अपने एटियोलॉजिकल के, उन प्रॉब्लम्स को अगर यहाँ लगाए मुझे, मैं लगाऊं, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर डिफेक्ट ही रह गया, क्या रह गया, डिफेक्ट ही रह गया, समझ आ गई। और डिफेक्ट ही रह गया इसलिए डिफेक्ट वर्ड जोड़ा मैंने, और इधर से इधर ब्लड अब मूव कर रहा है, ठीक है, इसलिए। और अब जब ब्लड लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है तो यहां पर लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर तो इधर से भी आ रहा है ब्लड, अरे राइट एट्रियम में ब्लड एसवीसी आईवीसी भी दे रहा है, ध्यान रखना, राइट एट्रियम में ब्लड एसवीसी और आईवीसी भी दे रहा था, और अब लेफ्ट एट्रियम भी देने लगा, तो राइट एट्रियम के पास अब बोल रहा है भाई रुक जा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उसकी साइज बढ़ जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। पहले किसकी हाइपरट्रॉफी होगी, राइट एट्रियम की, थोड़ी देर बाद में थोड़े थोड़े लंबे टाइम तक ऐसा चलेगा तो राइट वेंट्रिकल की भी हाइपरट्रॉफी होगी, हाँ है ना, राइट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी हुई, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हुई, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी में भी प्रेशर बढ़ जाएगा, उसको बोलेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्या बोलेंगे, पल्मोनरी, और पल्मोनरी ट्रंक में प्रेशर बढ़ने को मतलब कोर पल्मोनेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो अलग चीज है वैसे, लेकिन बता रहा हूं यहाँ पर कोर पल्मोनेल ये बोलते हैं, क्यों, जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता था पल्मोनरी ट्रंक में प्रेशर बढ़ जाता, तो ठीक है, और ये डेथ का कारण भी बन सकता है, ये राइट साइडेड हार्ट फेल्योर डेथ का कारण भी बन सकता है। इसी क्रम में एक और प्रॉब्लम हुई, वो ये हुई कि साहब आपने इन सब के थ्रू चल तो रहा काम, लेकिन इन सब के थ्रू ब्लड जो पहुंचा रहे हो वो कहाँ पहुंचा रहे हो, लंग्स में, तो लंग्स का वर्कलोड बढ़ जाएगा, लंग्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज ब्लड परफ्यूजन इन द लंग्स, इसमें ब्लड में परफ्यूजन बढ़ जाएगा लंग्स में, अरे हाँ है ना, ब्लड में लंग्स में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, परफ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है, तो और भी लंग्स पर जोर पड़ेगा और लंग्स में और कुछ नई प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी, ठीक है। तो लंग्स पे ब्लड सर्कुलेशन परफ्यूजन बढ़ जाएगा, पहली बात, दूसरी कंडीशन पोर्टल ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा,
तीसरी कंडीशन राइट वेंट्रिकल, चौथी कंडीशन वापस राइट एट्रियम, मतलब उल्टी तरीके से सीधे तरीके से जाएं तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक और लंग्स, इनमें प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएगी और इन प्रॉब्लम से जो साइन सिम्टम आने वाले वही इसके क्लिनिकल फीचर्स बन जाएंगे। समझ में आ रही प्रॉब्लम? तो अगर ये जुड़ा नहीं और कनेक्शन रह गया, नॉर्मल कंडीशन तो ये बताई थी मैंने ऐसा बंद होता, लेकिन ये नहीं जुड़ा, नहीं बंद हुआ, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, ये तो हुआ डायग्राम की बात। अब लिखते हैं आगे, लिखना शुरू कर दो। वीएसडी की डेफिनेशन शुरू कर देते हैं, सॉरी एएसडी शुरू कर रहे थे अपन, मैं वीएसडी याद आ गया, सॉरी एएसडी ही पढ़ रहे हैं अपन, एएसडी की डेफिनेशन से लिखना शुरू कर दो। मैं लिखवा रहा हूँ डेफिनेशन, कारण वगैरह सब लिखवा रहा हूँ। ठीक है, एएसडी लिखना शुरू करो। डेफिनेशन क्या होगी? एएसडी इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन, एएसडी इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन, एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन, बिटवीन आप बताओ, बोथ एट्रियम। ठीक है, एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, डेफिनेशन तो आप लिख ही सकते हो हर चीज की। ASD is the defect या abnormal opening between right and left resulting left to right, resulting left to right shunting of blood, resulting लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो यहां पर ये तो लिख सकते हैं अपन, लेफ्ट टू राइट शंटिंग। ठीक है, मतलब यहां से यहां। ठीक है, देखो इधर, लेफ्ट टू राइट शंटिंग ब्लड की, जब ओपन रह जाएगा तो लेफ्ट टू राइट शंटिंग होगी, बंद, और अगर बंद हो जाता तो शंटिंग होती ही नहीं। ठीक है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एएसडी, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एएसडी, मिटा दो इनको, ये इधर लिख लो अपना बोर्ड। ओस्टियम सेकुंडम, ओस्टियम प्राइमम, ओस्टियम साइनस वीनस ASD, हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियम और दोनों एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है उसमें डिफेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, वैसे ये छः सात टाइप का होता है। हम तीन टाइप मेजर पढ़ते हैं लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन के आधार पर हम तीन टाइप पढ़ते हैं। सेकेंडम जो पढ़ते हैं जनरली, अगर ये सेप्टम है तो मिडिल पॉइंट पर रहेगा। ठीक है, मिडिल पॉइंट पर जो होता है जनरली पाया जाता है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन टाइप भी है, लिखवा देंगे, लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ओस्टियम प्राइमम तो ये सेप्टम के लोएस्ट पार्ट पर, लोअर बॉर्डर पर मिलेगा। ठीक है, ओस्टियम प्राइमम सेप्टम के लोअर बॉर्डर पर मिलता है, और साइनस वीनस एएसडी सेप्टम के अपर टॉप बॉर्डर पर मिलता है ना, टॉप बॉर्डर पर होता है। लोकेशन के हिसाब से हम मेजर तीन क्वालिटीज, तीन पार्ट्स में बांटते हैं, सात टाइप का हो रहा है जो बिल्कुल माइनर लोकेशन डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ओस्टियम सेकुंडम के अंदर थोड़ा सा लिख लो दोनों, इन दिस कंडीशन। ठीक है, ठीक है, अच्छा मिड लाइन में रहेगा। ठीक है, नॉर्मली मोस्ट कॉमन टाइप है, लिख लो ये चीज। ठीक है, ये ध्यान रखो मोस्ट कॉमन टाइप है ओस्टियम प्राइमम, जो कि आपको मेजर इश्यूज क्रिएट कर सकता है। ठीक है, सेकेंडम और वीनस एएसडी, साइनस वीनस एएसडी जनरली एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं। सॉरी, कई बार ये क्या होता है, ये दोनों एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, इसमें ज़्यादा मेजर इश्यूज क्रिएट होते हैं। वो क्या होते हैं कि इसकी वजह से ओस्टियम प्राइमम जो है, आपने
दोनों चैम्बर बनाए, ये ऐसा आपने हेड देखा। ठीक, समझ में आ रही है इतना जो डायग्राम बनाया उसमें। थोड़ा सा इसको नैरो करके मैं सेक्टर बना देता हूँ। ऐसा कुछ है, ये हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोल रहे हैं, इसको हम बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, यहाँ जब ओपनिंग है, इस अगर इसमें डिफेक्ट यहाँ है, ठीक है, डिफेक्ट अगर लोअर पार्ट पर, लोअर बॉर्डर पर डिफेक्ट है, ठीक है, बॉटम पर डिफेक्ट है, तो बॉटम पर डिफेक्ट की वजह से एसोसिएटेड प्रॉब्लम के रूप में और इसकी वजह से क्रिएशन की प्रॉब्लम से हमें कई बार मिलता है क्लेफ्ट ऑफ एट्रियल, ये मिट्रल वाल्व क्लेफ्ट। कौन सा मिलता है? मिट्रल वाल्व क्लेफ्ट। आपने क्लेफ्ट तो सुना ही है, लिप क्लेफ्ट, पैलेट क्लेफ्ट सुना था, मतलब गरार बनना, खाच बनना या स्पेस बनना, या दो पार्ट में डिवाइड जैसा हो जाना। अगर ऐसा कुछ डिवाइड हो गया वाल्व, कौन सा वाल्व आपका? मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व का काम था लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच ब्लड फ्लो को बैक फ्लो से रोकना। मिट्रल वाल्व का नॉर्मल फंक्शन क्या था? एट्रियम से वेंट्रिकल में आने वाले ब्लड को आने के बाद वापस जाने से रोकना, ये काम था मिट्रल वाल्व का। अगर ये फट गया है या क्लेफ्ट बन गई है तो इसमें क्या होगा? कुछ स्पेस, ऐसे बाइक स्पीड है ना, बाइक स्पीड का मतलब दो का स्पेस, ठीक है, ऐसा ऐसे बंद होता था जाके, और जैसे ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा खुल गया, जैसे नीचे से ऊपर वापस आने लगा बंद हो गया, दरवाजे बंद, ठीक है, एंट्री हुई एग्जिट के टाइम वापस बंद, ठीक है। उसी टाइम पर अगर ये खुला रह जाता है, वापस बंद नहीं होता है, तो जब वापस वेंट्रिकल जब कंप्रेस करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन से जब ब्लड को जाना होता है एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक जाना होता है ना, एओर्टा में ब्लड जाना होता है, लेकिन एओर्टा में न जाकर प्रेशर की वजह से वापस ऊपर की तरफ एट्रियम की तरफ वापस आ सकता है, आएगा। अगर यहाँ हम प्रेशर डालेंगे, पर कॉन्ट्रेक्शन होगा यहाँ से, तो ये यहाँ जाने के बजाय यहाँ भी आएगा वापस, और ये वापस रिपीट होना ब्लड का अपोजिट डायरेक्शन में वापस फ्लो होना मिट्रल वाल्व के थ्रू, जिसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन। क्या बोलते हैं? तो क्या कारण करेगा ये रिगर्जिटेशन? दिख रहा है रिगर्जिटेशन, ये कर सकता है आपका रिगर्जिटेशन, ब्लड फ्लो बैक फ्लो कर सकता है रिगर्जिटेशन, और ये रिगर्जिटेशन साउंड सुना देता है मर्मर साउंड के रूप में। कैसे सुनाई देगा? ठीक है, आप जब ऑस्कल्टेट करोगे तो क्या साउंड सुनाई देगा इसमें? मर्मर साउंड, MUR, मर्मर साउंड आगा। बोलो, प्राइमम समझा रहा हूँ, हाँ प्राइमम समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या हो गया? हाँ, ओस्टियम प्राइमम में बता रहा हूँ, क्या हुआ बताओ? ओस्टियम प्राइमम में मिट्रल वाल्व क्लेफ्ट बता रहा हूँ मैं, अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसको आप मिटा दो, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसको मिटा दो थोड़ी देर के लिए, बाद में बता देंगे। अभी हम सेकंड वाला एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेकंड वाले के साथ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम है मिट्रल वाल्व क्लेफ्ट, है ना, कन्फ्यूजन रखने दो। पहला हमने एक्सप्लेन किया है मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है, और इसको भी अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो कि हाँ अब हम पढ़ रहे हैं केवल ये मिट्रल वाल्व का क्लेफ्ट हो जाना इस प्रॉब्लम का एसोसिएशन है, ठीक है। कौन सी वाली? ओस्टियम प्राइमम, सेप्टम प्राइमम वाली, ठीक है। ओस्टियम प्राइमम में अगर क्लेफ्ट हो गया और खांच रह गई तो वापस ब्लड बैक फ्लो करेगा, वही रिगर्जिटेशन है, वही रिगर्जिटेशन। साउंड्स के बारे में आपको कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, साउंड्स कैसे आती है, और अभी और क्लिनिकल फीचर्स और साइन सिम्टम पड़ेंगे तो साउंड्स वापस बता दें। थर्ड आता है आपका ओस्टियम प्राइमम, थर्ड आता है ये, सॉरी साइनस वीनस एएसडी, साइनस वीनस एएसडी, साइनस से मतलब कुछ ऐसे नोड से रिलेशन है, मतलब ऐसे नोड की लोकेशन से रिलेशन है,
हाँ है ना, बोलो। एस ए नोड की लोकेशन है साइनस, और वीनस का मतलब कौन सी वेन होगी हेड के पास में, कौन सी वेन होगी हेड के पास में? अरे हेड के पास में आने वाली वेन्स या तो पल्मोनरी वेन होगी या एसवीसी आईवीसी होगी। हाँ है ना, या तो पल्मोनरी वेन होगी या एसवीसी आईवीसी होगी। आईवीसी थोड़ा लोअर पार्ट से एंट्री करती है, लेकिन एसवीसी अब ऊपर से। एसवीसी और पल्मोनरी वेन जो कि लेफ्ट में एंट्री करनी है, लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करनी है, लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करनी है पल्मोनरी वेन। तो वेन और एसवीसी, पल्मोनरी वेन और एसवीसी में अगर कुछ एब्जॉर्बिलिटी है वो है इस एएसडी की वजह से, क्योंकि ये टॉप पर है। कहां पर ये, इसका डिफेक्ट जो है वो टॉप पर है, कहां पर? साइनस लोकेशन पर। कौन सी लोकेशन पर है? साइनस लोकेशन पर इसका डिफेक्ट है, और ये डिफेक्ट एसोसिएटेड हो सकता है किसके साथ? वेन के साथ। किसके साथ हो सकता है? तो एसवीसी प्लस पल्मोनरी पल्मोनरी वेन का एसोसिएशन हो सकता है और इनमें डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है? एसवीसी प्लस पल्मोनरी वेन का एसोसिएशन प्लस डिफेक्ट हो सकता है किसमें, किसमें? साइनस वीनस थर्ड टाइप जो है, ठीक है, रेयर टाइप है, लेकिन इसमें हो सकता है ऐसा, ठीक है? आगे चलें, ठीक है आगे चलें। नहीं नहीं ये ऐसा लिख सकते हो, कनेक्शन बिटवीन, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन, मैं लाल पेन से लिख दूं, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन एसवीसी प्लस पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन का इन्वॉल्वमेंट कम है क्योंकि पल्मोनरी वेन को तो राइट लेफ्ट साइड में ड्रेन करना होता है, ठीक है, पल्मोनरी वेन को लेफ्ट साइड में ड्रेन करना होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड है। पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड है, उसको लेफ्ट साइड में ड्रेन करना होता है, ठीक है, लेकिन एसवीसी से कॉम्बिनेशन हो सकता है इस टाइप के डिफेक्ट में। चले आगे, पैथोफिजियोलॉजी मिटा दो। पैथोफिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन, शंटिंग जो ब्लड की हो रही है लेफ्ट टू राइट ही हो रही है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट शंट ऑफ ब्लड, शंटिंग ऑफ ब्लड, लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड। अच्छा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में तो आपको पता ही है कि प्रेशर ज्यादा हो गया है, ठीक है, और अगर ओपनिंग है, प्रेशर ज्यादा कब से हुआ है? आफ्टर बर्थ, जब से लंग्स फंक्शनल हुए हैं, लंग्स फंक्शनल हुए उसके बाद से आफ्टर बर्थ प्रेशर लेफ्ट में बढ़ जाता, पहले राइट में था, है ना, बिफोर बर्थ प्रेशर राइट में ज्यादा था, आफ्टर बर्थ प्रेशर लेफ्ट में ज्यादा है। कारण यह है कि पूरा पाथवे खुल गया है पल्मोनरी वाला, लंग्स वाला, है ना। अब लेफ्ट प्रेशर में ज्यादा है और वहीं पर एट्रियम में ही सेप्टम में डिफेक्ट है, तो राइट में शंट होगा ब्लड, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट शंटिंग होने का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड में मिलाना, बस यही फर्क है ना, ठीक है। इसके नीचे से लिखो एरो बनाकर, वॉल्यूम ओवरलोड, किस पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा बताओ, वॉल्यूम ओवरलोड किस पर? ऑन बताओ, राइट एट्रियम, कहां पर वॉल्यूम बढ़ गया? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के बाद वॉल्यूम कहां? राइट वेंट्रिकल, बोलो, और राइट वेंट्रिकल में वॉल्यूम ज्यादा हो जाने से वो कहां जाना है ब्लड? राइट वेंट्रिकल से ज्यादा कहां पर है जनरली? राइट वेंट्रिकल से ब्लड मूव कहां करता है? पल्मोनरी आर्टरी से,
तो लिख दूं यहां पर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो गया, ब्लड का ओवरलोड है, ध्यान दो, ब्लड ओवरलोड है, प्रेशर बढ़ा होगा, बोलो। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड ओवरलोड है, क्या है, ठीक है, ओवरलोड है तो प्रेशर बढ़ा होगा, उस प्रेशर के कारण उसको अपन पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोल दें। अरे बोलो, पल्मोनरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन से अब यही ब्लड जाना कहाँ पर है, लंग्स में, लंग्स में जाना है, तो इंक्रीज ब्लड फ्लो इन लंग्स या इंक्रीज ब्लड फ्लो इन पल्मोनरी सर्कुलेशन पूरा, ठीक है, लंग्स में ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, बोलो। तो इंक्रीज ब्लड फ्लो इन लंग्स, ये प्रॉब्लम कुछ समय तक चलेगी, बाद में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, कुछ समय तक चलेगी प्रॉब्लम, बाद में प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। क्या हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन से राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो, बोल दिया करो, नहीं तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तुम्हारे तक आवाज नहीं आ रही हो, है ना। कोर पल्मोनरी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन अगर लॉन्ग टाइम एग्जिस्ट करता है तो कोर पल्मोनरी कहते हैं, और राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है। लेकिन ऐसे डिफेक्ट जो माइनर डिफेक्ट है उनकी वजह से बच्चा सिम्टोमेटिक रहता है या कुछ प्रॉब्लम्स में रहता है, जो साइन सिम्टम में पढ़ेंगे अभी, कुछ प्रॉब्लम्स में रहता है और चलता रहता है कई बार, और कई बार प्रॉब्लम्स बढ़ती है, हमें सर्जिकल करेक्शन तक जाना पड़ता है, ठीक है। क्या करना है, पैथोफिजियोलॉजी से आगे लिखे हो, क्लिनिकल फीचर्स लिखेंगे अब, ठीक है, क्या होता होगा ऐसे बच्चे में जो इस कंडीशन में आ रहा है, तो क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं। चलो मिटा दूं, क्लिनिकल फीचर्स, देखो स्मॉल डिफेक्ट, अगर छोटा डिफेक्ट है तो एसिम्टोमेटिक रहेगा, एसिम्टोमेटिक, इफ स्मॉल डिफेक्ट, ठीक है, छोटा डिफेक्ट है तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती नहीं है, ठीक है, मतलब सिम्टम्स आते भी नहीं है, एसिम्टोमेटिक है, ठीक है। अगर डिफेक्ट थोड़ा बड़ा है तो बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, क्या होगा, क्या होगा, रिकरेंट, रिकरेंट आरटीआई बोल दूं। अरे हाँ है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होगा। अच्छा, उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, डिस्निया, हो सकता है, ठीक है साहब। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से वो करेगा पुअर फीडिंग, बच्चा क्या होगा, पुअर फीडिंग, ठीक है, फीडिंग करते टाइम सांस भर जाएगी उसकी, एग्जर्शन ज्यादा होगा तो पुअर फीडिंग, कम फीड करेगा बच्चा, ठीक है। और पुअर वेट गेन और फटीग, फटीग बोलूं तो थकान, जल्दी थकान होना, ठीक है, और इसके पुअर फीडिंग के ही कारण पुअर वेट गेन है, अलग लिखाने की जरूरत नहीं इसको, है ना, अलग से पॉइंट लिखाने की जरूरत नहीं होती इसको, पुअर फीड है तो पुअर वेट गेन तो होगा ही, इसमें कोई बड़ी बात है ना। मिटा दूं, पीछे ज्योति लिख लिया, साइन क्या क्या, साइन तो पूर्व वेट गेन भी तो वही बात होती है,
वो लिखा है, वही बात है ना, गेन ही नहीं करेगा, लॉस तो तब होगा, लॉस होगा क्यों, है ना, गेन ही नहीं कर रहा बच्चा, बेट बच्चा ही है, बड़ा नहीं हुआ। साइन ऑफ एस डी पढ़े, साइंस क्या क्या होंगे इसमें, ठीक है, ये क्लिनिकल फीचर्स थे जो हमें मिलेंगे, एस डी के कुछ स्पेसिफिक साइंस है वो क्या क्या होंगे, ये पेन नहीं दिख रहा है, पेन हटाओ इसको, पेन खराब हो गया। साइन ऑफ एस डी, लिंक डाल दे, सब खराब है पेन, साइन ऑफ एस डी, ठीक है, एस डी के साथ में कुछ क्लिनिकल फीचर्स हमारे साथ है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम साइन, क्या क्या है, वाइड एंड फिक्स्ड स्पीटिंग ऑफ एस टू साउंड, ठीक है, लिख रहा हूँ। ये ब्लू पेन दिख रहा है ना, वाइड एंड फिक्स्ड, एफ आई एक्स ई डी, फिक्स्ड स्पीटिंग, स्पीटिंग ऑफ स्प्लिटिंग एस टू साउंड, स्प्लिटिंग की स्पेलिंग गलत आ रही है, एस पी एल आई टी आई एन जी, स्प्लिटिंग, सॉरी, ठीक है, वाइड एंड फिक्स्ड स्प्लिटिंग ऑफ एस टू साउंड, वाइड एंड फिक्स्ड स्प्लिटिंग ऑफ एस टू साउंड, एस टू साउंड कब जनरेट हो रहा था, कल बताया था, एस वन साउंड, एस टू साउंड कब हो रहा था बताओ, ठीक है, हाँ समझा देता हूँ, हाँ ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, दो मिनट रुको, मैं बता रहा हूँ, एक था एस वन, एक था एस टू साउंड, ठीक है, एस वन एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल की वजह से है, ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक वाल कौन सा है, मिट्रल वाल, ठीक है, बाइकस्पिड वाल, और एक कौन सा है, ट्रैकस्पिड वाल, तो राइट साइड में कौन सा है, ट्रैकस्पिड वाल, टी वन बोलते हैं, ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड में कौन सा वाल है, बाइकस्पिड वाल, बी वन बोलते हैं, दोनों को मिलाकर साउंड बनती है एस वन, ठीक है, राइट और लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल में जो साउंड है इस वाल की वजह से और इस वाल की वजह से दोनों को मिलाकर एस वन साउंड, ठीक है, उसी तरीके से S2, ये जो साउंड है ये है एट्रियो वेंट्रिकुलर साउंड, A T R I O V E N T R I C U L A R, एट्रियो वेंट्रिकुलर साउंड, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल के क्लोजर से साउंड है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच के वाल में क्लोजर से क्रिएट होने वाला साउंड है ये, तो राइट साइड में साउंड होता है वो T1 कह दिया इसको अपन ने, और लेफ्ट में साउंड है उसको B1 कह दिया, और ये दोनों मिलकर अपना एस वन साउंड क्रिएट करते हैं, ठीक है, एस टू साउंड की बात करें अगर, ठीक है, तो एस टू साउंड की बात करें तो ये है कौन सा, कौन सा वाला, एस टू साउंड, साइन एट्रियल नोड है तो नोड पे मत जा, हाँ वाल जो सेमी लूनर वाल है या फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा की तरफ राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी की तरफ जाने वाले, ठीक है, ठीक है, तो ये वाल कौन से हैं, राइट साइड में जो वाल होगा वो वाल कौन सा हुआ, पल्मोनिक वाल, अरे बोलो, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी में जाने वाला पल्मोनिक वाल, P1 बोल दूं, P2, ठीक है, P2 बोलेंगे यहाँ पर, दूसरे लेवल, दूसरे वाल हो ये, और लेफ्ट साइड में जो वाल्व है लेफ्ट वेंट्रिकल और अओर्टा के बीच में, अओर्टिक वाल्व बोलो, तो A2 बोल दूं, ये दोनों मिलके अपने साउंड बना रहे हैं S2, ठीक है, क्या साउंड बना रहे हैं, S2 साउंड में, अब क्या होगा, S2 साउंड में बात करें, S2 साउंड इसको मिटा देते हैं एक बार, S2 साउंड याद रखना, ठीक है, S2 साउंड कहाँ क्रिएट हो रहा है, पल्मोनिक और aortic वाल के, ठीक
ठीक है, पल्मोनिक और एओर्टिक वाल्व एक साथ बंद होते थे, बहुत कम गैप के वजह से, आपको सुनाई एक ही देता है, बहुत कम गैप की वजह से एक ही एक सुनाई देता है, इसलिए उसको एक साथ वो एस टू साउंड बोल रहे थे। अब एस टू साउंड में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो सुनो, वाइड का मतलब डिस्टेंस बढ़ गई है, वाइड का मतलब डिस्टेंस बढ़ गई है, स्प्लिटिंग मतलब अलग अलग हो गया है और फिक्स इंटरवेल में होगा, वाइड का मतलब डिस्टेंस बढ़ गई है, स्प्लिटिंग मतलब बिखर गया है, अलग हो गया है और फिक्स्ड टाइम में होगा एस टू साउंड। अब एस टू साउंड में हो क्या रहा था, एक तरफ राइट में हो रहा था कौन सा पल्मोनिक वाल और लेफ्ट में हो रहा था कौन सा एओर्टिक वाल, कौन सा वाल है पल्मोनिक वाल, अरे हाँ या ना, और ये कौन सा वाल था एओर्टिक वाल, हाँ की हाँ ना, समझ में आ रही है, ठीक। ये दोनों मिला के आपका साउंड क्रिएट कर रहे थे कौन सा एस टू, कौन सा क्रिएट कर रहे थे एस टू, ये दोनों के बीच में डिफरेंस माइनर सेकंड्स था, ठीक है, बहुत कम सेकंड का डिफरेंस था, इसलिए ये दोनों एक ही जगह पर सुनाई दे रहे थे आपको एस टू। अब ये बिखर के साउंड सुनाई देगा, अब ये साउंड अलग अलग सुनाई दे रहा है आपको, समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि ये डिले है डिले, अब ये डिले हो जाएगा क्लोजर में क्योंकि इस पर ओवरलोड है, हाँ या ना, समझ में आ रही है क्या, कुछ आ रही है, राइट साइड के हर्ट में ब्लड का ओवरलोड है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक तीनों में ब्लड का ओवरलोड है, तो उसको क्लोजर में टाइम लग रहा है, ठीक है, तो ये डिले हो रहा है, तो इसके बीच में टाइम गैप हो जाएगा, ये टाइम गैप ही तो है वाइड एंड फिक्स्ड स्प्लिटिंग, ये टाइम गैप को ही कह रहे हैं वाइड एंड फिक्स्ड स्प्लिटिंग ऑफ एस टू साउंड, समझ में आ रही है क्या, ठीक है। दूसरा, एक साइन हो गया, दूसरा साइन है इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, इजेक्शन सिस्टोलिक, नाम से समझ में आ रहा है, इजेक्शन मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाला ब्लड एक पंप में, वही तो इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हो ना आप कई बार, क्या होता है इजेक्शन फ्रैक्शन, इजेक्शन का मतलब एओर्टा नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होने वाला ब्लड, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में पंप होने वाला ब्लड है इजेक्शन, तो इजेक्शन सिस्टोलिक, अब वो सिस्टोल में ही तो पंप हो रहा है, अरे जो ब्लड पंप हो रहा है कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो ब्लड पंपिंग हो रही है वो इजेक्शन है और वही सिस्टोल है, कॉन्ट्रैक्शन से ही सिस्टोल है, उसमें क्या क्रिएशन हो गया मर्मर साउंड, ये कौन सी, ये इसमें आप कौन सा टाइप समझ पा रहे हो, प्राइमम, सेप्टम प्राइमम में मैंने अभी बताया मर्मर साउंड, हाँ ना, सेप्टम प्राइमम में मैंने स्प्लिट ऑफ मिट्रल वाल में अभी बताया है मर्मर साउंड, बताया है, बस वही मर्मर साउंड है, तो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, ठीक, इसमें लिख सकते हो आप, इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, रिगर्जिटेशन इन लेफ्ट मिट्रल क्लेफ्ट मिट्रल, लेफ्ट मिट्रल बोलने की जरूरत नहीं है, है ना, लाल पेन से लिख देता हूँ, रिगर्जिटेशन रिगर्जिटेशन इन क्लेफ्ट मिट्रल या मिट्रल, रिगर्जिटेशन इन क्लेफ्ट मिट्रल वाल्व, इन मिट्रल वाल्व, यहीं लिख देता हूँ वाल्व, कौन सी कंडीशन में हुआ ये सेप्टम, कौन सी कंडीशन में होता है ये, अभी पढ़ाया है सेप्टम प्राइमम, बॉटम पर होता है सेप्टम प्राइमम का डिफेक्ट, और डिफेक्ट जब बॉटम में होगा तो नियरेस्ट स्ट्रक्चर कौन सी है उसके, मिट्रल वाल्व, ठीक है, और डिफेक्ट अगर टॉप पर है तो उसकी स्ट्रक्चर नियरेस्ट वाली इफेक्ट हो रही है, और बीच में है तो ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, समझ में आ रही है, ठीक है, और बीच वाला मोस्ट कॉमन पाया जाता है, ये भी बता दिया, ठीक। मिटा दूं सब, मिटा दूं, डायग्नोसिस पे चले,
क्या करोगे आप डायग्नोसिस के लिए? बताओ क्या जांच करवाओगे? रिफिल कर दिया। हाँ, ईसीजी करवा लोगे? क्या मॉनिटर करती है ईसीजी? कार्डियक इम्पल्सेस, कार्डियक आपके जो कार्डियक में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस है उनको मॉनिटर करती है? हैं, उनको मॉनिटर करती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, क्या देखोगे ईसीजी में, क्या पता चलेगा आपको? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि S1 और S2 साउंड वाइड हो गया है, तो वहाँ पर जो मर्मर साउंड होगा S1 से S2 तक, ठीक है, वो मर्मर साउंड का इम्पल्सेस ज़्यादा आएगा। ठीक है, कंप्लीट उसको बोलते हैं पेन सिस्टोल मर्मर। क्या बोलते हैं? अगर ECG में आपके पास आ रहा है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है, तो अगर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी अगर आपको है, ठीक है, और तो इसमें क्या कंडीशन आ रही होगी? S1 से S2 साउंड के बीच में कंप्लीट मर्मर आना, मर्मर साउंड आना। S1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और S2 तक कंप्लीट मर्मर साउंड हो रहा है। S1 साउंड तो वहीं स्टार्ट हो जाएगा जहां पर एट्री वेंट्रिकुलर वाल का डिफेक्ट शुरू हो गया, ठीक है, और पल्मोनिक और एओर्टिक वाल तक डिफेक्ट शुरू, मतलब ऊपर से फर्स्ट कॉन्ट्रेक्शन के बाद जो फर्स्ट रिलैक्सेशन हुआ था, नीचे वाला रिलैक्स और ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो जिस टाइम डायस्टोल से शुरू हुआ S1 नीचे से, ठीक है, डायस्टोल नीचे हुआ और जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ S1 जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ S1 और रिलैक्स हुआ तो वापस आते टाइम पर S2, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर S1, ठीक है, धक्का मारेगा ऊपर की तरफ, S1 बंद और ये वाले खुल जाएंगे। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व खुलने के तुरंत बाद में हम सिस्टोलिक प्रेशर नापते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों वेंट्रिकल्स, ब्लड ऊपर की तरफ मूव न करके पल्मोनरी और एओर्टिक में मुड़ जाएगा, उसी टाइम पर दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे ना एट्रियो वेंट्रिकुलर। तो सिस्टोल के टाइम फर्स्ट बंद कौन से हुए? S1 साउंड, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंद हुए, ठीक है, तो तब से लेकर और ब्लड पूरा एओर्टा और पल्मोनरी वाल्व में निकल गया, कब से लेकर? जब S1 साउंड हुआ। S1 साउंड कब क्रिएट होता है? जैसे ही दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट होते ही वो जो धक्का लगना है ब्लड का, फोर्स लगना है, वो फोर्स किधर मुड़ेगा? पल्मोनिक और एओर्टिक में, लेकिन बैक फ्लो नहीं होने देगा, उसी लिए वाल बंद होंगे, वो कॉन्ट्रैक्शन से ही वाल बंद होंगे। कौन से वाले? एट्रियम वेंट्रिकल वाले। तो एट्रियम और वेंट्रिकल वाले वाल बंद होंगे और इधर वाले खुलेंगे, ठीक है, तो खुलने का साउंड नहीं आता, बंद होने का तो आता है। तो इनके खुलने से लेकर इनके बंद होने, एट्रियो वेंट्रिकुलर ये वाले वाल, एट्रियम वेंट्रिकुलर, एट्रियम वेंट्रिकुलर, ये राइट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, इन दोनों के बीच वाला वाल, ठीक है, ये जो ये दोनों जैसे ही बंद होंगे, ये साउंड तो हुआ S1 नहीं ना, कॉन्ट्रेक्शन से, ठीक है, और अब ये तो यहां भेज रहा है और ये यहां भेज रहा है, ठीक है, तो अब ये जब कॉन्ट्रेक्ट होकर जा चुका ब्लड, वापस नहीं आने देगा, यहां पर ये बंद हो गया ना, तब होगा S2। समझ में आ रही क्या? जब ये वापस नहीं आने देगा तब होगा ना S2। तो S1 से S2 तक अगर कंटिन्यू मर्मर साउंड आता है तो उसको बोलते हैं पेन सिस्टोल मर्मर। पेन, पेन मतलब कंप्लीट होता है, ठीक है, SYSTOL, सिस्टोल मर्मर। क्या बोलते हैं? पेन सिस्टोल मर्मर, होलो सिस्टोल मर्मर, एक ही बात, ठीक है। क्या बोल रहे हैं दोबारा बता दूं? S1 साउंड कब क्रिएट होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल के क्लोजन और पल्मोनिक और एओर्टिक वाल के क्लोजन में थोड़ा गैप होता है, वो गैप में कंप्लीट टाइम तक अगर मर्मर आ रहा है, मतलब मिट्रल मर्मर, उस टाइम तक खुला ही रह गया, तो वो कंप्लीट ड्यूरेशन तक मर्मर साउंड आएगा आपको, ठीक है, वो कंप्लीट ड्यूरेशन में मर्मर साउंड आना, मतलब कंप्लीट ऐसे फ्लटरिंग होना वेव का, ECG में वेव का QRS कॉम्प्लेक्स, वो पूरा ऐसा मर्मर होना S1 से S2 तक, ठीक है, वो है पेन सिस्टोल मर्मर। ठीक है, ECG तो वैसे ऐसे सर पढ़ा रहे ना, बता देंगे वो।
केवल आपको इसी चीज लिखना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए था, आपकी इच्छा है बाकी। सेकंड है चेस्ट एक्सरे कर लो, एक्सरे चेस्ट एक्सरे करोगे, मार्किंग इंक्रीज पल्मोनरी मार्किंग, अरे साइज बढ़ गया क्या लंग्स का, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा मार्किंग और ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो जाएगा, लंग्स में ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया तो एक्सरे में दिखेगा ज़्यादा ब्लड फ्लो, ठीक है। तो इंक्रीज पल्मोनरी मार्किंग कहते हैं उसको, जिसमें पूरा अच्छे से डिफाइन हो रहा है कि लंग्स ये है, ठीक है। एक्सरे में लंग्स बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है क्योंकि डार्कनेस की वजह से, ठीक है, वो है इंक्रीज पल्मोनरी मार्किंग। इको करते हैं ना, इको 2D इको, ठीक है, इकोकार्डियोग्राम ईकेजी इकोकार्डियोग्राम करते हो, इको नहीं, इको ईकेजी तो मत करो, ईसीजी होती हो तो इको, 2D इको, 2D ECHO, इको मतलब क्या होता है, साउंड से रिलेशन कुछ, 2D, 2D है, 2D को, 2D को मतलब क्या होता है, 2D इकोकार्डियोग्राम, 2D मतलब दो दो डायरेक्शन है, 3D मतलब तीन डायरेक्शन है, ठीक है। आजकल तो 4D 5D पता नहीं क्या क्या चल रहा है, 3D का मतलब समझते हो ना आप, मूवी देखते हो 3D वाली, तो 3D आप सामने जो देखते हो रियल में देखते हो 3D है, वो छपा हुआ होता है वो 2D होता है, ठीक है। वेक्टर्स अपने फिजिक्स में वेक्टर पढ़े होंगे, उसमें वेक्टर में 2D और 3D का डिफरेंशिएशन आपको पता चलेगा, ठीक है, ठीक है। 2D इको में क्या होता है, 2D इकोकार्डियोग्राफी और प्लस में डोपलर स्टडी विद कलर फ्लो मैपिंग, लिख लो इसमें, प्लस डोपलर स्टडी विथ कलर COCOLOU कलर फ्लो मैपिंग, टू डी को प्लस डोपलर स्टडी विथ कलर फ्लो मैपिंग। इतने बड़ी जांच क्यों करेंगे, ये क्यों करेंगे, जितने डिफेक्ट है ना सारे पता चल जाएंगे इस जांच करने से, जितने डिफेक्ट है ना, डिफेक्ट डिफेक्ट के लोकेशन साइज सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। क्या हो गया, कंफर्मेटरी तो डॉक्टर डिसाइड करता है, इसमें कुछ नहीं है सर, बायोप्सी थोड़ी ले रहे हैं, नहीं हाँ लिखो इसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट एंड देयर साइज, इसमें क्या पता चलेगा आपको, नंबर ऑफ डिफेक्ट एंड साइज, और अगर आप देखो कन्फर्मेटरी वाली बात करें तो 2D कोई करनी पड़ेगी, ठीक है। इस वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और कंडीशन से हो सकती है, ठीक है, ECG में, और चेस्ट एक्सरे से कन्फर्मेटरी नहीं कह सकते, अगर आपको डिफेक्ट देखना है तो 2D को करना पड़ेगा, ठीक है। डिफेक्ट को रियल देखना है, साइज देखनी है, नंबर देखना है या लोकेशन देखनी है तो 2D को ही करना पड़ेगा, एक्सरे और ECG से नहीं कर सकते, ठीक है। बिल्कुल कन्फर्मेटरी देखना है, यही लोकेशन पर यही प्रॉब्लम है, तो बल्जिंग राइट, हाँ चेस्ट बल्जिंग हो सकती, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, सुनो भाई आपस में बात मत करो, डिस्टर्बेंस हो रहा है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में अगर हाइपरट्रॉफी है तो चेस्ट बल्जिंग होगी, बिल्कुल होगी, लिख सकते हो आप, ये क्लिनिकल फीचर्स में लिख लो, नहीं चेस्ट बल्जिंग लिखाई है मैंने, चेस्ट बल्जिंग पिछले वाले में लिखाई होगी, है ना, चेस्ट बल्जिंग होती है, ठीक है। साइन क्लिनिकल फीचर्स में चेस्ट बल्जिंग, ठीक है, छोटे बच्चों में चेस्ट बल्जिंग फील होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी की वजह से, क्लिनिकल फीचर्स में, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है लिख लो, मिटा दो आगे चलूं, मैनेजमेंट क्या करोगे,
मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, एंटी अरिथमिया ड्रग्स, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटी अरिथमिक ड्रग्स, बस। और सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में सर्जरी कौन सी, एक ओपन एक क्लोज, ठीक है। तो ओपन हेड सर्जरी पहला लिख लो, एक ओपन हेड सर्जरी, ओपन हेड सर्जरी, ओपन हेड सर्जरी, ओपन हेड सर्जरी में तो पूरा चेस्ट कैविटी खोली, हेड ओपन किया और पैच क्लोजर किया, है ना, ओपन हेड सर्जरी। और इसमें क्या किया, पैच, ये टीसीएस, पैच क्लोजर क्या होता है, पैच मतलब एक टिश्यू का एक फ्लैप है, सुनो, टिश्यू का एक फ्लैप है, फ्लैप मतलब एक टुकड़ा है बिल्कुल पतली लेयर के रूप में, ठीक है। और जहाँ डिफेक्ट है वहाँ पर अपन ने उसको रखा और वहाँ पर उसकी फिक्स कर दिया, ठीक है, सूचरिंग करके वहाँ फिक्स कर दिया, वो है पैच क्लोजर, ओपन हेड सर्जरी, ठीक है। मतलब हमने टिश्यू ही लिया, ठीक है, कोई मेजर ब्लड वेसल का टिश्यू लिया हो या किसी जीनोग्राफ्ट लिया हो, जीनोग्राफ्ट समझते हो, किसी एनिमल से लिया गया, ठीक है, जीनोग्राफ्ट का मतलब है किसी एनिमल से लिया गया हो, उस एनिमल के भी कार्डियक टिश्यू ही होंगे वो, भाई किसी अदर एनिमल से ले रहे हैं, जीनोग्राफ्ट ले रहे हैं तो उस एनिमल का भी कार्डियक टिश्यूज होंगे, ठीक है। तो जीनोग्राफ्ट लेंगे वो बोवाइन टिश्यू बोलते हैं, उसको बोवाइन पैच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैच कौन सा हो सकता है, बीपी पेज, बोवाइन पेज, ठीक है, बोवाइन पेज बोलते हैं। जीनोग्राफ्ट इसका टाइप कौन सा ग्राफ्ट हुआ, ये कौन सा टाइप का ग्राफ्ट हुआ, जीनोग्राफ्ट, कौन सा ग्राफ्ट हुआ, एनिमल से लिया हुआ ग्राफ्ट कौन सा होता है, जीनोग्राफ्ट, ठीक है। जीनोग्राफ्ट कौन सा ग्राफ्ट होता है, जो एनिमल से लिया हुआ होता है, ठीक है, और कार्डियक टिश्यूज लिए होंगे उसके, और एक पतली लेयर ली होगी, वो पतली लेयर को अगर पैच के रूप में लगाकर और वो डिफेक्ट को क्लोज कर दिया गया है, उसको बोलते हैं बोवाइन पैच क्लोजर, क्या बोलते हैं, बोवाइन ग्राफ्ट या बोवाइन पैच क्लोजर बोलते हैं, ओपन हेड सर्जरी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और एक अगर ओपन नहीं कर रहे हैं, दूसरे तरीके से कर रहे हैं, तो वो है ट्रांस कैथेटर डिवाइस एएसडी क्लोजर, ठीक है, मिटाऊं इसको मैं, ट्रांस कैथेटर डिवाइस एएसडी क्लोजर, ठीक है। ट्रांस कैथेटर डिवाइस एएसडी क्लोजर का मतलब यह है कि हम ओपन हेड सर्जरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं इसको, मिनिमल इन्वेसिव, जिसमें कम से कम इंसिजन देना पड़ रहा है, तो कौन सी ब्लड वेसल के थ्रू हम जाएंगे ब्लड हेड तक, कौन सी ब्लड वेसल के थ्रू हम हेड तक पहुंचेंगे, बोलो, हाँ, आईवीसी, आईवीसी जाएंगे, अब लंग्स में से थोड़ी घूम के आ जाओगे आप, पल्मोनरी से नहीं आ सकते ना, तो आप कहाँ से जाओगे, ग्रोवाइन रीजन से, फीमोरल, ठीक है, ठीक है, फीमोरल वेन से, जो आईवीसी के थ्रू जाएगी, फीमोरल वेन से हम एंट्री करेंगे थिएटर, और आईवीसी के थ्रू जाकर, आईवीसी में जाके राइट एट्रियम में एंट्री करके और इसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांस कैथेटर, एंजियोप्लास्टी हो गई है, ठीक है। ग्राफी मतलब तो विजन हो गया, एंड डायग्नोस्टिक पार्ट हो गया, प्लास्टी मतलब रिकवरी पार्ट हो गया, ठीक है, तो ये प्लास्टी जैसा कुछ हो गया, ठीक। तो ट्रांस कैथेटर जो ग्रोइन रीजन या फीमेल फीमोरल रीजन से आता है, GROWIN ग्रोइन रीजन या फीमोरल बोल दो, फीमोरल, फीमोरल, यहां से इंसर्शन करते हैं, और वो कैथेटर पर आगे जो ग्राफ्ट चाहिए अपने को, ग्राफ्ट को लगा के आगे
बैलून कैथेटर की तरह ले जाकर उस पर फिक्स करते हैं वहाँ पर, ठीक है। अम्ब्रेला टाइप में कैथेटर होता है, उस कैथेटर को ले जाके वहाँ पर वो जो पेच अपने को वहाँ चिपकाना है उसको वहाँ जाके फिक्स करना है, ठीक है। और ये खत्म, लगभग लगभग खत्म हो गया। कॉम्प्लिकेशंस लिख लो, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है इन सारी प्रोसीजर्स के बाद में। मिटा दूं ये सब। कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस में ग्रोथ रिटार्डेशन, पल्मोनरी आर्टरी, हाइपरटेंशन, क्या हुआ, और एंडोकार्डाइटिस, ये सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर अपना खत्म होता है एएसडी।